हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस एस सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 22 मार्च 2024 को जो 10th क्लास का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ है, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू से, द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। इसका करेक्ट आंसर आएगा कुशाना पीरियड। मैं आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ ओपन कर देता हूं। देखिए, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ 22 मार्च 2024 को जो 10th क्लास का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम हुआ था। सेकंड एमसीक्यू, भिलार नियर महाबलेश्वर इज नोन एज विलेज ऑफ डैश। इसका करेक्ट आंसर आएगा बुक्स। थर्ड एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका करेक्ट आंसर आएगा कार्ल मार्क्स। अब उसके बाद क्वेश्चन बी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड री राइट इट। आपको रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना था एंड देन उस रॉन्ग पेयर को आपको आंसर में लिख देना था। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो सेकंड पेयर है ये रॉन्ग पेयर है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेयर है ये रॉन्ग पेयर है, सो आपको इसे आंसर में लिखना था। थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेयर है ये रॉन्ग पेयर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, डू एस डायरेक्टेड। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप टाइप्स ऑफ टूरिज्म। आपको एनी फोर टाइप यहाँ पे लिखने थे, तो एग्रो टूरिज्म हो गया, हेल्थ टूरिज्म हो गया, ज्योग्राफिक टूरिज्म हो गया, स्पोर्ट्स टूरिज्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टाइमलाइन वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। सो यहाँ पे देखिए 4 एम्प्टी बॉक्सेस गिवन है, आपको यहाँ पर ईयर लिखना था, यहाँ पर ईयर लिखना था। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको शो करता हूँ। फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स में आएगा 1985, देन सेकंड एम्प्टी बॉक्स में आएगा सुंदरबंस नेशनल पार्क, थर्ड एम्प्टी बॉक्स में आएगा 2012 एंड फोर्थ एम्प्टी बॉक्स में आएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर है देखिए ललित एंड भरूत, आपको ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स लिखने थे। तो देखिए ये इसका कंप्लीट आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन बी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। देखिए आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले आप स्क्रीन पर ये जो कंप्लीट हाई क्वालिटी का सॉल्यूशन पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और हार्डवर्क लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे बोर्ड एग्जाम्स के सॉल्यूशंस की पीडीएफ फ्री में मिलती है। ये जो आप कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ देख रहे हो स्क्रीन पर, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये पीडीएफ वायलर्न ऐप में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज टेस्ट, टेक्स्ट बुक, सारी चीजें इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट को फ्री में मिलती है। चलिए अब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट था यहाँ पे स्थल कोश, सो स्थल कोश पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था, तो देखिए ये इसका आंसर है। देन सेकंड क्वेश्चन है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था, तो देखिए ये इसका कंप्लीट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है द रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन। फर्स्ट है फोकॉल्ड कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशंस लाइक चित्रकथी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, सो देखिए इसका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉयज कैन टेल अस अबाउट हिस्ट्री, सो देखिए इसका कंप्लीट आंसर यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 4, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, तो देखिए इसका भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहां पर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, इसके बेस पे टोटल 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के एंड थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी, इसका आंसर आएगा मेजर ध्यानचंद। सेकंड क्वेश्चन है, इन इंडिया मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज डैश, इसका आंसर आएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे। थर्ड क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर ध्यानचंद इन ओलंपिक्स, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल एनी टू। फर्स्ट है, व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, तो देखिए इसका कंप्लीट आंसर है 3 मार्क्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, सो देखिए इसका कंप्लीट आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह है कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, तो देखिए इसका कंप्लीट आंसर, यह है इसका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट द दशावतार थिएटर, सो देखिए ये इसका कंप्लीट आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होता है। फर्स्ट एमसीक्यू है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू डैश, इसका करेक्ट आंसर आएगा लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। सेकंड क्वेश्चन है, द मेजर चैलेंज फेस बाय ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस इन द वर्ल्ड इज डैश, इसका आंसर आएगा डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
आपको बताना था जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स, एंड देन आपको उसका रीजन भी लिखना था। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शन इन अ पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ सेकेंड टाइम, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है और इसका रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू, कोअलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और इसका रीजन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंज्यूमर मूवमेंट कैम इन टू एग्जिस्टेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, आप इसका रीजन यहाँ पे पीडीएफ में देख सकते हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8A, राइट शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, राइट्स बेस्ड अप्रोच, सो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, डू एस डायरेक्टेड, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, तो देखिए यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस है, टोटल 4 empty boxes आपको इसे फिल करना था, तो देखिए ये इसका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, तो देखिए ये है कम्युनलिज्म, टेररिज्म, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सारे चैलेंजेस है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट है व्हाट इज मीन बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, तो देखिए ये इसका कंप्लीट आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मिड टर्म इलेक्शन, ये इसका कंप्लीट आंसर है। सो स्टूडेंट, ये कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ थी। प्लीज वीडियो को लाइक, अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, वहां पे क्लिक करके आप ये पीडीएफ फ्री में देख सकते हो।